हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। हस्बैंड जी का तो पता नहीं है, मैं सोई थी, उससे पहले जा चुके हैं कैंटीन और टाइम हो चुका है। आप देख सकते हो रहा है 10:30 होने वाला है, बट अभी तक आए नहीं है। और वो सुबह मॉर्निंग में इसलिए जल्दी चले गए होंगे क्योंकि कैंटीन में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, तो सोचते होंगे जल्दी जाता हूँ तो जल्दी आता हूँ। फ़ोन कर रही हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो काम मेरा हो चुका है कंप्लीट। अब करते हैं हम उनका वेट और देखते हैं जनाब क्या बोलेंगे फिर हमसे। दक्षु पापा गए हैं, ड्यूटी गए हैं। कब आने वाले हैं, कब आएंगे बताओ? निन्ना है, निन्ना निन्ना करेंगे आके। अच्छा, और आपके लिए क्या लेके आएंगे? पापा चॉकलेट लेके आते हैं। दक्षित भी वेट कर रहा है कि कब पापा आएंगे और दक्षु के लिए चॉकलेट लेके आएंगे। बहुत सारी है ना, क्या लेके आएंगे बाबू? चो लेके आएंगे। और क्या खाना है बाबू को बता दो, और क्या खाना है मेरे बच्चे ने, क्या खाना है? दूध है, दूध। और पापा का वेट करते करते दक्षु भी चाला। क्या देख रहे हो दक्षु? हुप्पी देख रहे हो। दक्षु देखता है होली वाला ब्लॉग, इसको होली वाला ब्लॉग बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये जब भी टीवी ऑन करवाता है तो ये मेरा सिर्फ होली वाला ब्लॉग बहुत ज्यादा देखता, तो ये सारे ब्लॉग है जिसमें ये होता है खुद, बट इसको होली वाला ब्लॉग कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो ये होली वाला ब्लॉग देखता है। आपको अच्छा लगता है होली वाला ब्लॉग? क्यों अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है बताओ, क्यों अच्छा लगता है बताओ ना। आप पकड़ ही नहीं पाओगे। तो मैं भी आया था कैंटीन बारिश में, बारिश बहुत तेज हो रही थी और पूरा रेनकोट देख सकते हैं आप, रेनकोट पूरा भीग गया। और मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, ये भी कैंटीन आए हुए हैं। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर और लेता हूँ सामान। सामान लेने के बाद जब मैं निकलूँगा बाहर तो दिखाता हूँ आपको, और फिर चलते हैं हम घर की ओर। उसके बाद सामान ले लिया है और देख सकते हैं मेरे हाथ पे हेलमेट और पीछे बैग। तो अभी करते हैं निकलने की तैयारी, फटाफट घर जाते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि सुबह आया था मैं खाली पेट, कुछ खाया नहीं था, ओनली चाय भी गया था और यहाँ पे बच गए 10:30, तो भूख बहुत जोरों की लगी है। तो मिलते हैं। तो फाइनली घर पहुँच गया हूँ, स्कूटी कर दी है खड़ी, अब चलता हूँ ऊपर, देखता हूँ मोटी क्या कर रही है, क्या प्लानिंग कर रही है मेरे को परेशान करने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा बैक कैमरे से। मोटी गा रही है गाना, देखिए आप क्या बना रहे हो। हम बना रहे कि मोटी क्या प्लानिंग कर रही है हमारे लिए, हम आपके लिए खाने का वेट कर रहे हैं। 3 बज गए, सो के उठ गया, फर्स्ट क्लास चाय पी ली है और गया था कैंटीन। तो गीजर तो मिला नहीं, आपको पता है गीजर खराब हो गया था, गीजर मिला नहीं। तो अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, गीजर लेके आता हूँ नया, फिर देखते हैं लगाने के लिए इंस्टॉलेशन वाला कब आता है। अभी लेके रख देते हैं, अभी चलते हैं गीजर लेने के लिए भाई जी के साथ, और गीजर लेके आते हैं स्कूटी पे, फिर देखते हैं। देखो क्या आया, केक। केक? हाँ। केक नहीं, गीजर है वो। क्या है गीजर? क्या है? केक। केक तो बाजी लाएंगे, बाजी लाए क्या आपके लिए? पापा लाएंगे। हाँ। पापा तो चौल आए ना आपके लिए। हाँ। क्या रहा है पापा? चौ। फाइनली गीजर आ चुका है नया, स्टैंडर्ड कंपनी का, और देखिए पसीना कितना हो गया है। स्कूटी पे लेके आए थे लेकिन गली से क्या हुआ, उठा के लाना पड़ा, तो पसीना इतना हो गया है उठा के लाने में। तो अभी आने वाले हैं हमारे फिट करने के लिए गीजर को, तो करवाते हैं फिट और फिर देखते हैं, चेक करते हैं कि ठीक ठाक काम करता है नहीं करता है। और गाइस फाइनली जो है गीजर लग चुका है, और क्योंकि उसमें रॉड वगैरह तो जो हो रही थी खराब वो निकाल दी है, और ये है हमारा न्यू गीजर। हाँ मोटी, क्या बना रही हो? तुम्हारा फेवरेट। मेरा क्या फेवरेट है? आलू लौकी। तो शुद्ध खाना ऐसी होता है, आलू लौकी शिमला मिर्च नहीं करते हैं। बाकी मेरी तरह बनो, मैं ए टू जेड चीज खाती हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं। तो क्या शुद्ध खाना आलू और बाकी खाना क्या शुद्ध होता है? बोला शुद्ध खाना आलू लौकी होता है, बोल रही। मतलब कि लहसुन प्याज नहीं खा रहे, सावन का महीना है, मैं ये कहना चाह रही हूँ और कुछ नहीं कहना चाह रही। और गाइस ये फूल चुकी है मेरी रोटी, जिसको खानी है मोटी की तरह, जैसे मोटी फूली ऐसी रोटी फूली। हवा भी फस हो गई। ठीक है तो चलिए हम बनाते हैं अभी डिनर और आपसे मिलते हैं डिनर करने के बाद।
डिनर हो चुका है कंप्लीट और हमारी सब के लिए क्या हो गया, तुम्हारी जो हालत खराब हुई? सकल में बच गए हमारे 12। क्यों? तबीयत खराब, क्योंकि दिन भर बिजी थे, कभी इधर भागा दौड़ी इधर भागा दौड़ी, फिर गीजर लगाने के लिए जो आए थे फिटिंग करने इंस्टॉलेशन के साथ उनके साथ लग रहे, तो खाना पीना टाइम से हो नहीं पाया, दिया नहीं उन्होंने खाना पीना टाइम से। थोड़ा ऐसा हो सकता है कि मैं इन्हें खाना ना दूं, मैं पहले इन्हें खाना देती हूं फिर मैं खाती हूं। मतलब खाना पीना मिला है लेकिन थोड़ा क्या है वो सेटलमेंट सही नहीं हो पाया, और सेटलमेंट नहीं हो पाया तो हम सेटलमेंट हो गए। अच्छा, तो आज थोड़ा तबियत वगैरह मिली और बाकी जो घर के छोटे मोटे काम थे वो हो गए। जैसा आपने देखा था गीजर ले आया था मैं, इंस्टॉलेशन हो गया है। इंस्टॉलेशन में आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं भी बिजी था, भैया के साथ जो आए हुए थे इंस्टॉलेशन के लिए तो हम लोगों ने मिलकर इंस्टॉलेशन किया, और ये बच्चों के साथ भी थी तो हम ब्लॉक कंटिन्यू नहीं कर पाए उस टाइम पे। और जैसा बताया अभी मोनू ने खाना हो गया है, दूध वगैरह पी लिया हमने, हम पीते हैं कटकी वाला दूध वो पी लिया है। पहाड़ी आदमी कटकी वाला ही पीता है, कटकी फेवरेट है इनका, फेवरेट कटकी हो गया, गुड़ हो गया, लेकिन वो उसके साथ इनको आधा आधा केजी मिश्री, आधा केजी गुड़, इतना चाहिए होता है। मीठे के शौकीन है, मीठे के शौकीन है। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों ने मेरा आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। और ये देखिए ये मेरा छेतान ललका है, ये कौन है मेरा भाई? भाई है ये मेरा भाई। अच्छा बाई कर रहे हो? हाँ। बाई कर दो भाई। मिलते हैं कल, बोलो मिलते हैं कल, बोलो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।